अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मैं कहता हूँ आपके लिए डेली टेक न्यूज़ के एपिसोड, जिसमें आपको बताता हूँ कि आज के दिन टेक वर्ल्ड में क्या डेवलप हुई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, नीचे कमेंट लाजमी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना। और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दिन के 3-4 मिनट निकाल के मेरी वीडियो लाजमी देख लिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा यार। बाकी मिलेगा क्या आपको? आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेक वर्ल्ड से रिलेटेड। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि व्हाट्सएप एक अपडेट पुश करने वाला है, जिसके ज़रिए आप रियल और फेक न्यूज़ का आराम से चुटकियों में पता लगा लेंगे। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि आपके फ्रेंड और ग्रुप जो होंगे व्हाट्सएप के, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट करती हैं और उसे बगैर चेक करे आगे फॉरवर्ड और शेयर भी कर देते हैं, जिसके से किसी का नुकसान भी हो सकता है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप एक अपडेट पोस्ट करने वाला है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की न्यूज़ आती है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, गूगल के ऊपर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि वो न्यूज़ लेजिट, यानी आपके पास रियल न्यूज़ आई है या फेक न्यूज़ आई है। तो फीचर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिलहाल ये फीचर कब आएगा हमारे स्मार्टफोन के अंदर, वो तो आपको भाई बेटा है ना बता देगा ना, जैसे ही अपडेट आई आपको भाई पहले इन्फॉर्मेशन कर देगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। न्यूज़ कैसी लगी नीचे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। रियलमी की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि रियलमी के स्मार्टफोन TVU 5.5 पर लिस्ट हुआ है, यानी नज़र आया है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग 65 वाट की काफ़ी अहमियत की मालूम है, क्योंकि तकरीबन आपको 19 मिनट के अंदर फुल चार्ज स्मार्टफोन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रियलमी X3 प्रो हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर क्या है, आपको बता दूं RMX2170 अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो चेक कर लीजिएगा। बाकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डिटेल निकल के आई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। Xiaomi की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि Xiaomi ने एक पेटेंट फाइल करा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने आज से पहले तक ये सुना होगा कि रिमूवेबल बैटरी वाला स्मार्टफोन जिसमें बैटरी निकल जाती है, आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई स्मार्टफोन जिसके अंदर उसका फ्रंट डिस्प्ले ही रिमूव हो जाता है? नहीं ना। जी हाँ, Xiaomi कुछ इस तरह का पेटेंट फाइल कर चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी इम्प्लीमेंट कब होगा और इसके न्यूज़ के अंदर कब नज़र आएगा वो देखना ज़रूरी है। मुझे लगता है तकरीबन 2021 या 2021 के एंड के अंदर इस तरह की न्यूज़ कंफर्म हो सकती है। फिलहाल पैटर्न तो काफ़ी अमेजिंग है, स्क्रीन पर देख भी रहोगे आप। फिर आपको क्या लगता है Xiaomi वाकई स्मार्टफोन इस तरह का लेके आएगा? नीचे आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। Samsung की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि Samsung इंडिया के अंदर अपना Samsung Galaxy M51S ये लॉन्च करने वाला है। और ये स्मार्टफोन FFSC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट भी हो चुका है। इस स्मार्टफोन की खास बात यह कि इसमें 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। प्लस जब से Samsung Note 7 फटा था उसके बाद Samsung ने काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है। और रिसेंटली Samsung M31S के अंदर भी आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, और अब Samsung M51S के अंदर भी आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो Samsung बैटरी में काफ़ी कमाल करने वाला है। मे बी प्रोसेसर पर और काम कर ले तो और दमादम मस्त के अंदर हो जाएगा। Xiaomi की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि Xiaomi के एक स्मार्टफोन सबवे के ऊपर नज़र आ चुका है। जहाँ कोई शख्स जो यूज़ कर रहा है स्मार्टफोन का, वो सबवे में बैठा हुआ है, वो दबा दब इसकी तस्वीरें 3-4 खींची हैं जो आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी। फिलहाल ये भी रूमर्स निकल के आए हैं कि ये स्मार्टफोन Redmi Note 10 हो सकता है। मे बी नोट। फिलहाल आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। साथ साथ इस स्मार्टफोन में कुछ फीचर भी निकल के सामने आ चुके हैं। आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर छोटा सा पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा तकरीबन 32 मेगापिक्सल का, और आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगी। और उसके साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको ऊपर देखेंगे तो आपको तकरीबन वॉलन ब्रोकर की भी देखने को मिलेगी। फिलहाल स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 है या नहीं वो तो आने वाली न्यूज़ में बताऊँगा ना आपको, तो सब्सक्राइब कर लें पता चल जाएगा आपको। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। मेरे पास वीवो के सब ब्रांड iQOO के बारे में। जी हाँ, iQOO 5 सीरीज लॉन्च होने वाली 17 अगस्त को, जिसके अंदर आपको मिलने वाला वर्ल्ड का पहला 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। जी हाँ, 120 वाट का, जिस तकरीबन स्मार्टफोन को चार्ज कर देता है जो 4000 mAh की बैटरी वाला होगा जस्ट 17 मिनट के अंदर। जस्ट इमेजिन, स्मार्टफोन आपके हाथ में हो, आपको 0% बैटरी है, आपको बिल्कुल जल्दी भागना है, तो कितना काम आ सकता है स्मार्टफोन।
फिलहाल स्मार्टफोन के जरिए यानी 120 वाट फास्ट चार्जिंग के जरिए क्या स्मार्टफोन का नुकसान होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीचे मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगर मेरे पास पोको की जहाँ पोको ने एक टीस करा है कि आपने बहुत चला लिया वन प्लस नोट, अब चलाने की बारी है आपके पोको की, जहाँ पोको भी वन प्लस नोट की तरह अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अभी फिलहाल टीस करा है, कन्फर्मेशन नहीं है कौन सा स्मार्टफोन होगा, क्या स्पेस होगी, क्या प्राइस होगी, किस तरह का डिज़ाइन होगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल जो टीस करा गया है वो काफ़ी कमाल करा गया है, क्योंकि वन प्लस तो पाकिस्तान में आता नहीं है, और वन प्लस तो आता नहीं है, पोको तो आता है ना। तो जैसे ही आएगा तो इसके बारे में अगर रेंजेबल होगा, मेरे पकड़ में आ पाएगा, तो इसकी अनबॉक्सिंग तो मस्त बनती है मेरे चैनल के ऊपर। फिलहाल आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। बढ़ते अपनी अगले न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस गीक बेंच के ऊपर नज़र आ चुका है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस, आपको मजाक लग रहा होगा, आपको पता नहीं, बता जाता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट, सही है, ये लॉन्च हुआ था। S20, S20 अल्ट्रा, S20 प्लस लॉन्च नहीं हुआ था। इस स्मार्टफोन का गीक बेंच निकल के सामने आ चुका है, जो आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। सही है, आपको रिजल्ट देखना है, क्या स्कोर है वो आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे। फिलहाल इस स्मार्टफोन के साथ आपको एंड्रॉयड 11 की अपडेट आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगी। साथ में तो प्रोसेसर कौन सा होगा वो भी पता है जा चुका है कि एक्सोनस का 990 का प्रोसेसर होगा, यानी 990 ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। तो इंटरेस्टिंग बात है कि सैमसंग ये स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, क्योंकि पहले लॉन्च नहीं करा, अब लॉन्च करेगा। अब लॉन्च करेगा तो कब करेगा? फिलहाल सैमसंग गैलेक्सी का नोट सीरीज़ का अनपैक इवेंट है कल। मैं भी आपको तकरीबन जुमे को या हफ्ते को आपको इसका पूरा फुल रिव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट 20 सीरीज़ का, ना गैलेक्सी फोल्ड ना कोई और चीज़ का, सिर्फ नोट 20 सीरीज़ का। खास तौर पे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ नोट 20 प्लस के लिए, आप एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज की टेक्नोज का कोटा यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ जो टेक्नोज आपको दी हैं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप स्मार्टफोन लवर हैं तो इस टेक न्यूज़ को आप लाजमी लाइक करेंगे, नीचे कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि इस छोटी फैमिली जो 113 सब्सक्राइबर की फैमिली है उसको जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर की फैमिली बनाई जाए। तो मिलता हूँ आपसे कल की टेक न्यूज़ के अंदर, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।